हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, कुशल मंगल से होंगे अपने अपने घर में। गाइस, फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने खेतों का दृश्य। मैं सुबह सुबह उठा और अपने खेतों की तरफ निकल गया। आज काफ़ी दिन हो गए थे खेतों में आए को भी। देखो कितना अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर खेत है। पीछे गेहूं बीजी हुई है और पीछे अमरूद के पेड़। अगर आप सुबह सुबह खेतों में आ रहे ना, और यहाँ की ठंडी ठंडी हवा, साफ सुथरा वातावरण, और सूर्य देवते की पहली दूसरी किरण बिल्कुल आपको ऊर्जा देगी, और पशु पक्षियों की चहचहाने की आवाज, और ये देखो यहाँ पे हट बनाई हुई है हमने। ये हमारी पाइपलाइन जा रही है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो बेल का बटन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ये बिल्कुल बैक साइड में देख रहे हैं, ये मेरा गांव है। जो ये जगह है हमारी, हम इसको ना बाग बोलते हैं। जब हमें खेतों में जाना होता है ना, हम बोलते हैं बाग में जा रहे हैं अपने, क्योंकि यहाँ पे अमरूद के पेड़ ये पीछे देख सकते हैं आप, और उधर केले के भी हैं, उसके पास में आंवले के हैं, फिर आम के भी हैं, बहुत ज़्यादा फलों के पेड़ यहाँ पे हैं। दोस्तों, ये है मेरे पीछे, ये बिल्कुल जो देख रहे हैं आप, ऊपर आंवले का पेड़ है, इसकी दूसरी साइड में केले हैं। ये भी यहाँ पे आंवला और केला, और ये देखिए यहाँ पे आम के पौधे हैं, ये देख लीजिएगा। अमरूद भी है, और दूसरा यहाँ पे हाइब्रिड आम और अमरूद हमने यहाँ पे पौधे लगाए हुए हैं। और ये देखो, ये बांस है, ये जो बांस है ये भी हाइब्रिड है, फॉरेन की वैरायटी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ही, ये जो है गाजर हल्दी लगाई हुई है, जिसकी हल्दी बनती है ना मिक्स करके, वो गाजर हल्दी है ये। और यहाँ पे भैया लहसुन और पालक धनिया, हम सब कुछ अपना ही बीजते हैं। और जो ये हमारा कुआं है, जिससे हम सिंचाई करते हैं खेतों की, ये हमने पानी दे दिया खेतों में, बल्कि जब पहला पानी लगाते हैं ना, वो हमने लगा दिया है। धीरे धीरे गेहूं बड़ी हो रही है, ये पाइपलाइन, ये मोटर लगी हुई है, मोटर नीचे से पानी उठाती है लगभग, ये देखो
70 फीट। और ये देखिए हमने यहाँ पे जो है ये नागमणि नागफण बोलते हैं इसको, तो अगर इसको लगा देते हैं जहाँ पे इसके नज़दीक नज़दीक जो है ना सांप नहीं रहते। ये मैंने पूरा अपने कुएं पे लगा रखा है। उधर ये फूल और दूसरी तरफ दूसरे गेंदे के फूल जो हैं, ये देखिए अभी मैंने ये सब यहाँ सफाई करवा के, मेरे को ये जो दूब चढ़ा हुआ है यहाँ पे, दूबड़ा घास जो भी है यहाँ पे, सिर्फ एक पार्क बनाया जाएगा जिसमें अच्छे अच्छे पौधे फूल वाले अच्छी पत्तियाँ वाले ये सब यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा दिए जाएंगे, जिसे देखने वाला भी बोले हाँ अच्छा कुछ चीज़ बना रखी है। मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ यहाँ पर ये, उधर भाई मेरे खेतों को लगता हुआ बिल्कुल ये रोड है, ये रोड जो जा रहा है नाहन शिमला जा रहा है। आप यहाँ से बिल्कुल अराउंड शिमला भी जा सकते हैं, यहाँ से सीधे नाहन जाओ आप और नाहन से शिमला की बस ले लो। हिमाचल हिमाचल होकर के जा सकते हैं। अगर आप दूसरी साइड से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सीधा नारायणगढ़ जाइए, नारायणगढ़ से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से शिमला। बिल्कुल एक ऐसा रोड लगा हुआ है मेरे गांव को जो आपको इंडिया के हर कोने से जोड़ सकता है, ऐसा रोड लगा हुआ है। अभी आप सुन रहे होंगे चीं चीं की आवाज़ पक्षियों की, बहुत अच्छा लगता है जब ये चीं चीं करते हैं पक्षी, चहचहाने की आवाज़ और सुबह सुबह शुद्ध पर्यावरण ऑक्सीजन वातावरण। और सूर्य देवता ऐसा लगता है सबसे पहले जो ना सूर्य देवता यहीं पर दर्शन देते हैं, वो देखिए पीछे पहाड़ी पे।
तो दोस्तों ये था मेरे गांव का, मेरे घर का, मेरे खेतों का दृश्य। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कैसा लगा आपको। और हम आपको अच्छी अच्छी नई नई वीडियो आपको देखने के लिए, आपके मनोरंजन के लिए फिर बनाते रहेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल का बटन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो।